हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 15। तो पहले भी आप एक वर्कशीट कर चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, ये वर्कशीट भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आपको ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं ग्रामर में, इसका इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज है, तो आप वो वाली वर्कशीट आप देख सकते हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपने सिंपल सेंटेंसेस, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया था। डायरेक्ट स्पीच मतलब अगर कोई आपको कोई बात कहनी है तो आप एज इट इज अगर उसे कहते हैं तो आप, इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हैं। लेकिन वही बात अगर आपको किसी तीसरे को रिपोर्ट करनी है कि उसने मुझसे ऐसा कहा, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपने देखा था कि स्टेटमेंट्स को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें आप क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव फॉर्म जो होती है सेंटेंसेस की, मतलब कि जो क्वेश्चन फॉर्म होती है सेंटेंसेस की, जब आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे वो देखा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको बताया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो वो कैसे पूछता है, आप उसे कैसे लिखते हैं, ही सेड, फिर आप कॉमा लगाते हैं, फिर आप एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, फिर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड आप ध्यान रहे कि पहला जो लेटर होता है उसका वो कैपिटल होता है। तो आप बोलेंगे वेयर इज शी गोइंग, और फिर आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और फिर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, सिंटैक्स है ये लिखने का, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने का। तो आप ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप यहाँ उसका नाम लिख रहे हैं या प्रोनाउन लिख रहे हैं, अगर वो लड़का है तो आप ही लिखेंगे, लड़की है तो आप शी लिखेंगे, एंड सो ऑन। फिर आप उसने जो कहा तो आप वो वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आप उसने कहा सेड, फिर आप कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई या हाउ, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि इज, हैव, हैज, हैड, वॉज। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को क्वेश्चंस फॉर्म करने में यूज करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसका जरूर ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म करते हुए तो आपने फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, जो भी एक्शन करने वाला जो इंसान है उसकी जब बात हो रही है, तो वो आप फिर लिखते हैं थर्ड उस पे पोजीशन पे, और उसके बाद जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन हो रहा है या जिसके बारे में भी बात हो रही है, जो भी सिचुएशन हो रही है, वो फिर आगे आप लिखेंगे, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ही सेड वेयर इज शी गोइंग, आप इसका आंसर कैसे देंगे, आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग, फिर वेयर आंसर एंड में आएगा। तो आप आंसर में ऐसे लिखेंगे शी इज गोइंग टू द मार्केट। तो ये एग्जाम्पल है। तो अब वापस आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म। अब इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को। तो जो पहला वर्ड है आपका जिसने ये क्वेश्चन पूछा, तो वो एज इट इज यही आ जाता है। तो अगर यहाँ पर नाम होता तो आप नाम लिखते, अभी यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो आप ही लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है ही सेड, तो अगर ये क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो भी क्वेश्चन वर्ड होगा। तो उसने पूछा तो आप यहाँ लिखेंगे ही आस्ड, उसने पूछा। फिर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, तो आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे और साथ ही आप कॉमा भी नहीं लगाएंगे। तो आप लिखेंगे ही आस्ड, और फिर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज आ जाएगा। जब एज इट इज आएगा तो वो जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में वो कैपिटल नहीं रहता। तो ही आस्ड वेयर
अब ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो आप लिखते शी इज गोइंग, तो सिमिलरली आपको पहले शी लिखना है, वेयर शी। अब जो इस सेंटेंस से क्या बचा है आपका, इज और गोइंग बचा है, तो अगेन क्योंकि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप स्पीच रिपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट बन जाता है, तो इज बन जाएगा वॉज और इधर आ जाएगा शी के बाद आ जाएगा वॉज, और फिर गोइंग जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और आप एंड में बस एक फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको अगर समझ एक बार में नहीं आ रहा है, आप दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, आप एग्जाम्पल सुनिए और इसको अच्छे से समझिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस आर नेसेसरी। जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंज करते हैं, पहले तो आप टेंस चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं तो उनका आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, ही को ही लिख रहे हैं, शी को शी लिख रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट। तो पिछली वर्कशीट पे हमने जैसे किया था तो इसमें भी वही वाले, इस लेवल पे वही वाले चेंजेस होंगे, तो टेंसेस भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये इस लेवल पे आपके टेंसेस चेंज होंगे, उसी तरह से आपके प्रोनाउंस भी चेंज होंगे जैसे कि पिछली वर्कशीट में थे, उसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी चेंज होंगे, उसका आप हिम हर ये सब यूज करेंगे। अगर कोई बोलता है कि इट इज माइन तो आप बोलेंगे इट इज हर्स और इट वॉज हिज, तो इस तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव्स चेंज करेंगे। अगर आपको ये सेक्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप पिछली वर्कशीट जाकर सुनिए, उसमें ये अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वहीं सिमिलरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो नाउ बन जाएगा, देन टुडे बन जाएगा, दैट डे, टुमारो बन जाएगा, द नेक्स्ट डे, तो इस तरह से जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस हैं, हियर बन जाएगा, देयर, तो ये अगेन पिछली वर्कशीट में इसकी एक टेबल दी गई है, आप वो जाकर देख सकते हैं, तो ये एज इट इज चेंज होगा। सेकेंड जो चेंज आएगा वो आएगा इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जो होगी वो एफर्मेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जैसे ही आपने बोला वेयर इज शी गोइंग, तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है वर्ब की, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इसको ये जो है अब एफर्मेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये बन जाएगी वेयर शी वॉज गोइंग, तो इज शी की जगह शी वॉज आ जाएगा, तो शी पहले आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये बाद में आ जाएगा, और ये इज एज इट इज इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर रूल था कि हम टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो इसलिए ये शी वॉज गोइंग आ जाएगा। थर्ड चेंज इसमें है, क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। अगेन ये मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं, पॉइंट बी यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से इट मस्ट बी चेंज टू अ वर्ब ऑफ इंक्वायरी। तो अगर आपका जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है, जैसे यहाँ पर है ही सेड, तो इससे का ये पास्ट फॉर्म है सेड, अगर ये वर्ड है तो इसको भी आप चेंज करेंगे वर्ब ऑफ इंक्वायरी में, तो आप कोई ऐसा वर्ब यूज करेंगे, ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो ये दिखा सके कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आस्क, वंडर, वॉन्ट टू नो, इंक्वायर्ड, तो इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ही आस्क, ही वंडर्ड, ही वॉन्टेड टू नो, बट अगेन ध्यान रहे कि ये इन सब का पास्ट फॉर्म यूज होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही सेड वेयर इज द स्टेशन, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वॉज, तो
आप देख रहे हैं कैसे वर्ड्स इधर से उधर बस शिफ्टिंग हो रही है वर्ड्स की, और कैसे टेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो इस पे फोकस करेंगे तो ये बहुत ही इजी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है और बहुत इजीली आपके एग्जाम में इसमें मार्क्स भी आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आस्क कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन एड्रेस्ड। तो अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं आस्क के बाद। तो अगर यहाँ पर कोई पूछ रहा है, ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो मुझसे ही पूछ रहा होगा। तो अगर मैं किसी तीसरे बंदे को बता रही हूँ कि उसने मुझसे क्या पूछा, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग। तो अगेन ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिख रहे हैं, जो पर्सन एड्रेस्ड वो लिख रहे हैं, आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये ब्रैकेट इस वर्कशीट में सिर्फ इसलिए लगाया है ये दर्शाने के लिए कि आप चाहें तो ये वर्ड मी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आ जाता है ही आस्क्ड मी, तो अगेन आप देख सकते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गए हैं, वॉट एज इट इज आ गया है, लेकिन वॉट का जो डब्ल्यू है वो स्मॉल में है यहाँ पर। अब सब्जेक्ट यहाँ पर था हैव यू, तो क्योंकि ये मुझसे पूछ रहा है तो यू बन गया है आई, वॉट आई, हैव का पास्ट फॉर्म हैड, अब हैड लिख दिया है आपने, और उसके बाद एज इट इज गॉट इन योर बैग, वॉट आई हैड गॉट इन माई बैग, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो योर बन जाएगा माई और बैग। फिर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हटाकर आप सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आगे चलते हैं इस पॉइंट को ही, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, वो है बट वंडर एंड वॉन्ट टू नो कैन नॉट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इफ वी विश टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन वेयर द पर्सन एड्रेस्ड इज मेंशन्ड, वी मस्ट यूज आस्क। तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि अगर आपको वो पर्सन का नाम मेंशन करना है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बोलेंगे ही आस्क्ड मी। लेकिन अगर आप आस्क की जगह यूज कर रहे हैं वंडर्ड या वॉन्टेड टू नो, तो आप जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ही वॉन्डर्ड मी वट आई हैड गॉट, ये गलत होगा। वैसे ही आप नहीं लिख सकते हैं ही वॉन्टेड टू नो मी वट आई हैड गॉट, ये भी गलत होगा। तो अगर आपको ये रिपोर्ट करना है कि क्वेश्चन किससे पूछा गया था, हु वॉज द पर्सन दैट वॉज एड्रेस्ड, अगर आपको ये मैंशन करना है तो आपको आस्क यूज करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ही सेड मैरी वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो आपको अगर बताना है कि ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, मैरी से पूछा गया, तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड मैरी मैरी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। तो आस्क्ड आप यूज करेंगे, आप वंडर्ड और वांटेड टू नो नहीं लिख सकते यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हेन वेयर हु हाउ व्हाई एटसेट्रा, द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपको मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में वाई वॉट इस तरह के क्वेश्चन से शुरुआत होती है तो ये एज इट इज वहां पर इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पर लिखा जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर वो कैपिटल लेटर यूज होगा डब्ल्यू, यहाँ पर स्मॉल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स इधर से उधर जा रहे हैं, तो किससे पूछा गया, उनसे पूछा गया। तो देम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वॉट एज इट इज आ गया है, डू यू, यू आप पहले लिखेंगे लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट है तो यू बन जाएगा दे, और फिर डू वॉन्ट, डू क्योंकि आप कन्वर्ट करेंगे तो वॉन्ट जो है वॉन्टेड बन जाएगा, वॉट दे वॉन्टेड। तो क्वेश्चन में डू यहाँ पर यूज होगा, लेकिन जब आप आंसर करते हैं इनडायरेक्ट वे में उसे रिपोर्ट करेंगे तो डू यहाँ नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है, इफ देर इज नो क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि अगर व्हाट व्हाई वेयर हु हाउ ये सब अगर नहीं है, तो आप इफ या वेदर यूज करेंगे। तो अगर क्वेश्चन इज से शुरू हो रहा है या डस से शुरू हो रहा है या हैव से शुरू हो रहा है, तो आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आस्क्ड के बाद इफ या वेदर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है ही आस्क्ड इज एनीवन देयर,
तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड इफ और वेदर एनी वन वॉज देर और फिर फुल स्टॉप। तो आप समझ सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आप आंसर कर रहे हो तो उसी वर्ड ऑर्डर में आपको लिखना है। तो एनीवन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा एनीवन, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म, तो इज बन जाएगा यहाँ पर वॉज और फिर देयर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो इफ ही आस्क्ड इफ एनीवन वॉज देयर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसका जो पार्ट ए और सी है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि पार्ट ए जो है उसमें इज है और पार्ट सी में वेयर है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। उसके अलावा जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर सैम्पल आंसर्स दिखा देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। तो आइए पहले वाला देख लेते हैं। पहला बोल रहा है मधु आस्क्ड मी इज इट कोल्ड आउटसाइड। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे मधु एज इट इज लिखेंगे, आस्क्ड भी आप एज इट इज लिखेंगे, मी क्योंकि अगेन सब्जेक्ट मेंशन है और आस्क्ड आप यूज कर रहे हैं तो आप मी लिख सकते हैं। तो मधु आस्क्ड मी, अब कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, और क्योंकि पहला यहाँ पर इज है, वेयर वेन हाउ ये नहीं है, तो आप लिखेंगे इफ, या तो आप इफ लिखेंगे या आप वेदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ इफ लिख देती हूँ, मधु आस्क्ड मी इफ, फिर आप लिखेंगे इट, पहला सब्जेक्ट आएगा पहले तो इट लिखेंगे इफ इट, उसके बाद आएगा ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, तो इट लिखेंगे आप, अब आएगा इज, लेकिन इज डायरेक्टली एज इट इज नहीं आ सकता, हमने पहले ही कहा है प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो आप लिखेंगे इफ इट वॉज, इज जो है वॉज बन जाएगा, फिर एज इट इज कोल्ड आ जाएगा और एज इट इज आउटसाइड आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा और फुल स्टॉप आएगा। तो ये आपका पहला यहाँ पर हो जाता है, पहला सेंटेंस का आंसर ये है। तो मधु आस्क्ड मी इफ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। अब इसी तरह से मैं आपको थर्ड भी करके एक बार दिखा देती हूँ। तो थर्ड है आपका, वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर आर वी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं वरुण ने पूछा, तो वरुण आस्क्ड उसने किससे पूछा, अपने फादर से पूछा, वरुण आस्क्ड हिज फादर, कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, वेयर आप वेयर क्योंकि यहाँ पर है इसलिए आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर एज इट इज आ जाएगा, लेकिन डब्ल्यू जो है कैपिटल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर, अब आर वी नेक्स्ट वर्ड्स हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वी बन जाएगा दे, दे वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर दे, फिर आर बन जाएगा पास्ट फॉर्म में वर, वेयर दे वर, फिर ट्रैवलिंग। अब जैसा कि हमने बोला था पिछली वर्कशीट में दिस क्या बन जाता है, दैट ट्रैवलिंग दैट वीकेंड, वरुण ने अपने फादर से पूछा कि वो उस वीकेंड कहाँ जा रहे थे, तो वीकेंड क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा और बस फुल स्टॉप। तो मैंने आपको यहाँ पर ये दो सैंपल दिखा दिए हैं, साथ ही मैं आपको अब जो बी और डी ई एफ जी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछिए। इस वर्कशीट के बाद हम चलते हैं सोशल साइंस की वर्कशीट की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो। आइए अब आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट देख लेते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया की वर्कशीट। ये चैप्टर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति पर बेस्ड है। यह है वर्कशीट 15 इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत तथा विश्व। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट वन है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो भारतीय भूभाग जो है, जो भारत का ये मेन लैंड जो है
वो एशिया महाद्वीप, जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, उसका दक्षिणी विस्तार है। साउथ में एक एक्सटेंशन है, सदर्न एक्सटेंशन है, एशिया का जो साउथ साउथ मोस्ट पार्ट है उसका एक्सटेंशन इंडिया है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, वो पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में स्थित है। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। इन दिस वे इंडिया हैज द सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट। तो इस वजह से क्या है, इंडिया की लोकेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सेंट्रल लोकेशन पे है, इंडियन ओशियन के, हिंद महासागर के ऐसी बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे, बिल्कुल मध्य में ऐसे है वो, कि वो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं उसके जो पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनसे भी वो जुड़ पाता है, और साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्ट में, जो पश्चिम के यूरोपियन यूरोपीय देश हैं, वो उनसे भी इंडिया कनेक्ट कर पाता है। तो ये लोकेशन उसकी इंडियन ओशियन में बहुत ही अच्छी लोकेशन है। फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स ऑनवर्ड इंडिया हैज ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन नॉट ओनली विद यूरोप एंड ईस्ट एशिया बट ऑल्सो विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो पुराने समय से ही भारत के व्यवसायिक और सांस्कृतिक संबंध ना केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी बने हुए हैं। तो बहुत ही पुराने टाइम से ही इंडिया जो है ट्रेड कर रही है, कॉमर्स कर रही है, और कल्चरली भी कनेक्शंस बना रही है, रिलेशनशिप्स बना रही है। वो ये जो रिलेशनशिप्स है सिर्फ यूरोप या ईस्ट एशिया से नहीं बना रही है, बल्कि जो वेस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, तो ईस्ट एशिया आ जाता है यहाँ, चाइना, म्यांमार, ये वाला जो सारा एरिया है यहाँ पर, और यूरोप इधर आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के साथ कर रही है, बल्कि वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरब है, तो ये वाले जो देश हैं इनमें भी इंडिया अपनी रिलेशनशिप्स बना रही है। अफ्रीका में भी इंडिया अपनी ट्रेड और कॉमर्स और कल्चरल रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ही पुराने समय से बनाती आ रही है। ओवर द इयर्स दिस रिलेशन हैज बीन डीपन्ड बाय द सी एंड लैंड रूट। इन मॉडर्न टाइम्स बाय द यूज ऑफ एयरवेज दिस रिलेशन हैज बीन स्ट्रेंथेंड इवन मोर। तो पुराने समय में क्या हुआ कि जब समुद्री जलमार्ग और भूमार्ग, जो सी और लैंड के जो रूट्स हैं, जब वो डेवलप हुए, तो धीरे धीरे जो इंडिया के रिलेशंस थे बाकी दुनिया से, बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज से जो रिलेशनशिप्स थे, जो संबंध थे, बहुत अच्छे होने लगे। अब मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, जब वायुमार्ग का प्रयोग होने लगा, एयरवेज जब शुरू हो गए, जब एरोप्लेन्स उड़ने लगे, तो ये जो संबंध थे, ये जो रिलेशन था, वो और ज्यादा गहरा होता गया, और ज्यादा मजबूत हो गया। थ्रू दीज रूट्स द आइडियाज ऑफ द उपनिषद, द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यही वो रूट्स थे, जल मार्ग, भूमार्ग और फिर वायु मार्ग, जिनसे धीरे धीरे हमारी इंडिया, हमारे कल्चर के जो विचार थे, जो उपनिषद के विचार थे, जो रामायण की कहानियां थी, पंचतंत्र की कहानियां थी, भारत के जो अंक थे, जब जीरो का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और जो दशमलव प्रणाली थी, जो डेसिमल सिस्टम था, तो वो इंडिया से बाकी कंट्रीज में इन्हीं मार्गों के द्वारा पहुंच पाया, इन्हीं रूट्स के द्वारा पहुंच पाया। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दीज रूट्स ओनली। तो मलमल आदि के कपड़े, मसाले और व्यापार के जो अन्य सामान थे, वो भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों के द्वारा ले जाए जाते थे। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। वहीं दूसरी तरफ तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया ही वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था, बल्कि वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज थी वो भी इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रीक स्कल्पचर था, जो कला थी ये स्कल्पचर्स की, और साथ ही जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी, जैसे कि मीनारें या गुंबद, अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में हुमायूं टूम, उसके जो गुंबद है, ताजमहल के जो गुंबद है, और जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं जैसे कि कुतुब मीनार, तो ये सब जो है ये ओरिजिन इसका इंडिया में नहीं है, बल्कि जो वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये उससे इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज्यादा।
तो इंडिया भी बाकी वर्ल्ड से आर्किटेक्चरली बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इसी पे बेस्ड अब देख लेते हैं क्या कौन से क्वेश्चंस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो जो आपका पहला पॉइंट है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज द सदर्न एक्सटेंशन, ये वाला जो पहला पॉइंट है, हिंदी में भी जो पहला पॉइंट है वही इसका आंसर है। हम आपको सैम्पल आंसर्स भी दिखा देंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं अब प्रश्न 2 की तरफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद विच इंडिया हैड ट्रेड एंड कल्चर रिलेशंस। तो भारत के जो व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध थे उस समय पर, विश्व के जिन भी भागों के साथ उसके जो ये संबंध थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो इंडिया के तो वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कल्चरल और ट्रेड रिलेटेड कनेक्शंस रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन उनमें से आपको कुछ देशों के नाम लिखने हैं, तो वो हम आपके यहाँ पर सैम्पल आंसर में लिख देते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, हाउ इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड बाय इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन। डिस्क्राइब, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि वो वर्ल्ड वाइड हर किसी के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशनशिप्स बना सकता है, इसी वजह से उसने अपनी इंडियन ओशियन में जो सेंट्रल लोकेशन है उससे बेनिफिट किया है। फिर क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एयरवेज इन मॉडर्न टाइम्स। तो आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। अगेन ऑब्वियस ही बात है, जब पहले से ही इंडिया के जो रिलेशनशिप्स थे वो भूमार्ग और जल मार्ग से अच्छे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वायु मार्ग और शुरू होने लगा तो उसके रिलेशनशिप्स और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए, और जो कल्चरल और ट्रेड रिलेशनशिप्स थे वो और ज्यादा डीपन हो गए। तो अगेन आप सैम्पल आंसर में से ये आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, विद द हेल्प ऑफ मैप एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कोस्ट वुड बी इन द एडवांटेज इफ वी मूव फ्रॉम इजिप्ट टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू सी रूट। तो आपको मानचित्र की सहायता से, इस मैप की सहायता से ये बताना है कि अगर हम समुद्री मार्ग यूज करते हैं, सी रूट यूज करते हैं, और मिस्र, इजिप्ट, ये यहाँ पर है आपका इजिप्ट, ये एरिया, अगर हम इजिप्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं सी रूट की तरफ, तो इंडिया का भारतीय तट जो है वो किस तरह से लाभकारी होगा। तो अगर आप इस सी रूट को फॉलो करें तो इजिप्ट से अगर हम यहाँ निकलते हैं और ये रूट फॉलो करते हैं, ये रूट जाके रुकता है मुंबई पर, और मुंबई से फिर ये रूट दोबारा निकलकर यहां से होता हुआ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये रूट अगर हम यहाँ मिस्र से, इधर से चलते हैं बम्बई और मुंबई से चलते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर कोई मिस्र से निकला हुआ आदमी जब इधर ऑस्ट्रेलिया जाएगा और रास्ते में अगर मुंबई में रुकेगा तो ऑब्वियसली वो जहां पर भी रुकेगा वहां पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और कल्चरल रिलेशनशिप्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इसी वजह से, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है, इसी वजह से वो समुद्री मार्ग पर मुंबई पड़ता है, इस सी रूट पर पड़ता है, इसी वजह से इंडिया को इस लोकेशन से बेनिफिट होगा। तो आइए अब सैम्पल आंसर्स देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।